नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित त्योथर में किसान कांग्रेस ने बिजली की समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के पश्चात किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव तरुणेंद्र द्विवेदी ने कहा कि समूचे तराई क्षेत्र की जनता बिजली की समस्या से परेशान हो रही है। बिजली कंपनी द्वारा अघोषित कटौती की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहे हैं। श्री द्विवेदी जी ने कहा कि बारिश न होने के कारण ओवरलोड की समस्या है, जिससे कटौती की समस्या बनी है, तथा भाजपा सरकार के संरक्षण के कारण उच्च अधिकारी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं करते हैं, जिसके कारण आम लोग एवं ग्रामीण की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। श्री द्विवेदी जी ने आगे यह भी कहा कि कम वोल्टेज के कारण पंप नहीं चल पाते हैं, जिसके कारण से किसानों की धान का रोपा नहीं लगा पा रहे हैं, तथा लॉकडाउन के कारण बच्चे घर में बिजली न होने के कारण पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, यह एक चिंता का विषय है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण शेखर मिश्रा ने कहा कि उच्च अधिकारियों द्वारा किसानों तथा आम लोगों की किसी भी तरह की सुनवाई नहीं की जा रही है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार लचर रवैये के कारण आज हर जन परेशान है। वहीं सरपंच रामप्रभाव विश्वकर्मा ने कहा कि हम बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों तथा भाजपा सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बिजली की जो भी समस्याएं खड़ी हैं, उस समस्या का निराकरण किया जाए, जिससे कि तराई के क्षेत्र की जनता खुशहाल हो सके। तरुणेंद्र द्विवेदी ने बिजली कटौती तथा बिजली विभाग की मनमानी रवैये के खिलाफ आज्ञापन सौंपा है, जिसमें अतरैला के 132 केवी पावर हाउस का कार्य चालू कराने, 4 माह की बिजली का बिल माफ कराने, जले ट्रांसफार्मर बदलाने, पुरानी बिजली के तार बदलने सहित तराई क्षेत्र में बिजली का बिल मीटर रीडिंग के हिसाब से वितरित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। तत्पश्चात SDM संजीव पांडे को ज्ञापन पत्र सौंपा। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।